ऐसा ही था कॉलोनी का जीवन, जहां हंसी खुशी, दुख उदासी, चूहल अड्डेबाजी या बकचोदी के बीच से जीवन की नदी बह रही है। हजारों हजार समस्याएं हैं यहां पर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए सफाई रख पाने की भी सीमाएं हैं। दड़बों से भी छोटे कमरों के किराए बेतहाशा मनमाने तरीके से बढ़ाए जाते रहे हैं। विरोध के स्वर कभी कभी उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। बेरोजगारी और नई नई परीक्षाओं के बोझ तले विरोध के स्वर भी दब कर रह जाते हैं। युवाओं में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और आकांक्षाओं का तनाव उन्हें विरोध से दूर ले जाकर खड़ा कर देता है। हर समय तो कोई ना कोई परीक्षा सामने खड़ी होती है। सभी सोचते हैं कि सामने परीक्षा है, पहले तो इससे निपट लिया जाए। जब तक परीक्षा हो जाती है तब तक सामने कोई दूसरी परीक्षा आ जाती है। अब कोई भी यहां बसने के इरादे से तो आता नहीं है। मकान मालिक लड़कों की इसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। दलालों के भी पौ 12 हो चले हैं। एक समय था जबकि कॉलोनी का जीवन शांत था, विशुद्ध अध्ययन का माहौल होता था। तब यहां इतनी भीड़ न थी, जगह जगह पीसीओ हुआ करते थे। मोबाइल सामान्यता किसी किसी के पास ही था। इन पीसीओ की दुकानों की अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। बिहार के एक सज्जन थे राजू, उनके पीसीओ ने यहां कई पीढ़ियों के बहुत से लोगों की जमकर सेवा की थी। जब भी किसी के घर से कॉल आता तो कोई ना कोई उसे बुलाने जाता था। इस सेवा के एवज में 5 रुपये लिए जाते थे। धीरे धीरे मोबाइल का आगमन हुआ और पीसीओ की संख्या घटने लगी। बदले हुए परिवेश में राजू जी ने बहुत कोशिशें की किसी तरह अपने व्यवसाय को नया रूप दे पाए, लेकिन वे अपने व्यवसाय को नया जीवन नहीं दे पाए। उस समय भी किसी नए अभ्यर्थी को कमरा दिखाने के पैसे लिए जाते थे। लगभग सभी पीसीओ वालों ने कुछ मकान मालिकों के कमरों को किराए पर उठाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। राजू के पीसीओ पर विकास नाम का एक लड़का बैठता था जो सभी को कमरे दिखाने की व्यवस्था करता, पर उस समय कमरा दिखाने की राशि मामूली हुआ करती थी। प्रायः 100-200 रुपये में भी काम चल जाता था और कुछ कमरे जान पहचान से भी मिल जाते थे। सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। साहचर्य के साथ जीवन कट रहा था। हर वर्ष कुछ लोग आईएएस या पीसीएस में चयनित होकर यहां से निकल जाते थे। कॉलोनी के मुख्य गेट से प्रवेश करते ही एक गली बाएं हाथ को कटती है। इस गली की शुरुआत में ही नुक्कड़ पर एक दुकान है, यह गुप्ता जनरल स्टोर है। इस दुकान के मालिक रविंद्र गुप्ता काफी ईमानदार इंसान हैं। दुकान के आगे संकल्प हॉस्टल है। यहां सभी को रहने का अवसर नहीं मिलता। इस हॉस्टल से भी अच्छे खासे लोग चयनित होकर निकलते हैं। खूब मटर गश्ती होती थी, खूब बातें होती थी, गाली गलौज होती थी, लेकिन खूब पढ़ाई भी होती थी। सवे ने पंख लगाकर उड़ान शुरू कर दी थी। धीरे धीरे कॉलोनी में पीसीओ की दुकानें बंद होने लगी। कॉलोनी की जनसंख्या अब तेजी गति से बढ़ रही थी। पहले तो कॉलोनी में जगह जगह पर खुला स्थान दिखाई पड़ जाता था, लेकिन धीरे धीरे खुले स्थानों पर भी नई नई बिल्डिंगें खड़ी होने लगी। इन नई बिल्डिंगों के लिए भी मकान मालिकों को किराएदार आसानी से मिलने लगे। हालात तो यह थे कि कोई कमरा खाली बाद में होता था और किराए पर पहले उठ जाता था। बिल्डिंग बनने के साथ ही उसके कमरे किराए पर उठ जाते थे। लड़कों से एडवांस लेकर उन्हें सामान शिफ्ट करने की डेट बता दी जाती थी। धीरे धीरे मकान मालिकों की मनमानी के खिलाफ विरोध के स्वर बढ़ने लगे, लेकिन इन लोगों ने इसका एक नायाब तरीका निकाल लिया। उन्होंने अपने दड़बों जैसे छोटे छोटे कमरों को पूर्वोत्तर भारत के लड़कों को देना शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर भारत के लड़के प्रायः अधिक किराए का विरोध नहीं करते और यही बात उनके पक्ष में जाती थी। इससे अन्य लड़कों के मन में पूर्वोत्तर भारत के लड़कों के लिए गुस्सा भी आ जाता था। प्रायः यह गुस्सा क्षणिक ही होता था। कॉलोनी का मूल स्वभाव तो बंधुत्व ही है। जिस प्रकार हमारे देश में सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों और जातियों के लोग साथ साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कॉलोनी में भी रहते हैं। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि जब तक कोई स्वार्थी व्यक्ति जानबूझकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते लोगों में भेदभाव ना करे,
तब तक उनमें आपस में वैमनस्यता नहीं आ सकती, कुछ भी हो। लेकिन सभी की परेशानियां एक जैसी थी। मारू जब अपना MSc का कोर्स कर रहा था तो वह बालाजी के साथ एक ही रूम में रहता था। उसकी बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में उसका एक सहपाठी रहता था जिसका नाम था नरा। नरा से मारू की गहरी मित्रता थी और वो मणिपुर का रहने वाला था। पूरे दिन में दोनों मित्र एक दूसरे को बार बार बुलाते रहते थे। सभी की समस्याएं और तकलीफें एक जैसी थी। सब कुछ यूं ही चल रहा था जैसे समूची कॉलोनी एक विशिष्ट जलवायु में चुपचाप जिए चली जाती है। हर वर्ष कुछ भाग्यशाली लोग चयनित होकर इधर उधर चले जाते थे और शेष लोग अपने अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार करते रहते। मारू का भाग्य में बिल्कुल भरोसा ना था। अपने इसी आत्मविश्वास के चलते उसने पढ़ाई तक छोड़ दी थी। वह जीवन में कुछ विशिष्ट करने की आकांक्षा रखता था। प्रायः प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई परीक्षा होती रहती थी। अब धीरे धीरे क्रिश्चियन कॉलोनी में सिविल के अलावा दूसरी प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 23, संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहे बुक ऑडियो।